बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया शेख और आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल कुकिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबकी खिदमत में लेकर के हाजिर हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी कि आप लोग घर में स्पेनिश ऑमलेट कैसे बना सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके लिए किन अज्जा की ज़रूरत है। दो आलू लिए हैं जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया हुआ है, इस तरीके से चकोर क्यूब्स काटे हैं इसके मैंने। एक मैंने शिमला मिर्च ली थी उसे भी क्यूब्स में काट लिया हुआ है। एक अदर टमाटर लिया है उसे भी मैंने क्यूब्स में काट लिया हुआ है। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और चंद अदर हरी मिर्चें थी उन्हें मैंने इस तरीके से गोल काट लिया हुआ है। 1 टीस्पून यहाँ पर चिली फ्लेक्स है मेरे पास, अगर आप चाहते हैं थोड़ा स्पाइसी करना तो चिली फ्लेक्स इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें। एक अदर अनियन लिया है जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास नमक है, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे काली मिर्च है और 3 अंडे इस्तेमाल होंगे। चलिए आइए स्पेनिश ऑमलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। दो टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने, अभी ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें सब्जियाँ डालेंगे, पहले प्याज और आलू को अच्छे से सौते कर लेंगे। एक से दो मिनट तक इसे पका लेंगे। एक से दो मिनट हो गए हैं आलू और प्याज को पकते हुए। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। चिली फ्लेक्स, नमक, नमक हसबे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं हाफ अभी डाल रही हूँ और हाफ रख रही हूँ। थोड़ी सी कलौंजी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। स्पेनिश ऑमलेट बनके बहुत ही अच्छा तैयार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसमें बाकी सारी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी जिन्हें हमने पकाना नहीं है, सिर्फ चंद सेकंड सौते करना है। शिमला मिर्च, टमाटर, आप वेजिटेबल्स को अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड और स्किप कर सकते हैं। थर्टी सेकेंड हो गए हुए हैं इन्हें सौते होते हुए। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और वेजिटेबल्स को थोड़ा ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब तक वेजिटेबल्स ठंडी हो रही हैं हम अंडे फेंट लेते हैं। 3 अंडे ले रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे जो है वो अच्छे से फेंट चुके हैं। अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करूंगी, मिक्स कर लेंगे। कलौंजी ऐड करूंगी, नमक ऐड करूंगी जो बाकी बचा के रखा था। अंडे अच्छे से फिट चुके हैं, अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे।
अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें काले मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पेनिश ऑमलेट का बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। चले आइए अब हम ऑमलेट बनाते हैं। 2 से 2.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका हुआ है। अब इसमें बैटर ऐड करेंगे अंडे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा बैटर इसमें ऐड कर देंगे और किसी चम्मच स्पैचुला की मदद से इसे इस तरीके से जो है वो लेवल कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से। अब हम स्पेनिश ऑमलेट को 7 से 8 मिनट एक साइड पे पका लें। ये देखें इस वक्त कितनी अच्छी कंडीशन हो गई है। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं अंडे को इस तरह पकते हुए। और मैं स्पैचुला की मदद से हल्का सा इसे हिलाऊंगी ताकि नीचे से जो है मूवेबल हो जाए। और अब एक प्लेट लेंगे, फ्राई पैन के ऊपर प्लेट रखेंगे और इसे पलट लेंगे। और अब इसे इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितना अच्छा तैयार हुआ है। और बिल्कुल इस तरफ भी हम पका लेंगे, धीमी आंच पे भगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेनिश ऑमलेट बन चुका है। 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। आप देख सकते हैं स्पेनिश ऑमलेट कितना अच्छा तैयार हुआ है। और जो मैंने वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन इसके अंदर इस्तेमाल किया है उसका कलर इफेक्ट जो है वो आपको स्पेनिश ऑमलेट के ऊपर नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी हर रेसिपी की तरह बहुत अच्छी लगेगी। आप मुझे इस रेसिपी में भी अपने प्यार मोहब्बत से ऐसे ही नवाजेंगे जैसे कि पहली रेसिपीज़ में नवाजते आ रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और तो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे एक नई और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूँ। व्यूअर्स, अब मैं इसे कट करूँगी। आप नाइफ ले लें, मैंने यहाँ पिज़्ज़ा कटर इस्तेमाल किया है। ईजीली कट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेनिश ऑमलेट बन के बिल्कुल तैयार है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आ रही होगी। जैसे कि आप मुझे मेरी तमाम वीडियोज़ में प्यार मोहब्बत से नवाजते हैं, इसमें भी नवाजिएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने इस वीडियो को थम्स अप भी कर दिया होगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी किया होगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और थिक सा जो है हमारा स्पेनिश ऑमलेट बन के तैयार हुआ है। आप इसे सर्व कीजिए, मेहमान आए तब सर्व कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली की गैदरिंग में सर्व कीजिए। एक बहुत ही यूनिक चीज़ है और बहुत ही मज़े के टेस्ट के साथ बन के तैयार हुआ है। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।